के सभी दर्शकों को इम्तियाज अंसारी का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम और झारखंडी जोहार। दोस्तों, आज गढ़वा में गढ़वा वासियों को गर्वान्वित होने का समय है। बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ आज गढ़वा के दो छात्रों ने जो कर दिखाया है, MCI क्वालिफाई में इन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है और अपने जिले, अपने राज्य और अपने माता पिता को गौरवान्वित करने का काम किया है। खासकर गढ़वा जिले वासियों को गौरवान्वित करने का काम किया है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जिस तरह आज महंगाई आसमान छू रही है, इस दौर में इस मकाम तक ये कैसे पहुँचे, किन लोगों का सपोर्ट रहा, किन लोगों का नहीं रहा, क्या दिल में अरमान था, तमाम चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। आइए हम सीधे इनसे मिलते हैं। सर, स्वागत है आपका, क्या नाम है? डॉक्टर पवन सैन। डॉक्टर पवन सैन, आपने यहाँ तक अपने सफ़र को कैसे शुरुआत की? शुरुआत तो मेरी गढ़वा से ही हुई थी। मैंने प्लस टू यहाँ से किया, उसके बाद जब मैंने नीट दिया था तो एक दो बार में ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ, उसके बाद सब घर वालों ने डिसाइड किया कि अब आगे की शिक्षा फॉरेन से होगी। तो हमने वहाँ से स्टार्टिंग 2017 में मैंने नाम एडमिशन करवाया, उसके बाद 2022 में भी हमने कंप्लीट किया वहाँ पे। उसके बाद हम दिल्ली आए और हम MCI की तैयारी में जुड़ गए। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम अभी 20 जनवरी को फिनिश हुआ था, आज रिजल्ट कल शाम को आई है, रिजल्ट आपके सामने है। सफलता जब रिजल्ट हाथ में आई, कैसा महसूस हुआ? वो तो एक प्राउड मोमेंट होता है कि चलिए इतने दिन, 5 साल मेहनत जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, आज फाइनली हम वहाँ तक पहुँच गए। जिस दौर में हम और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिस माहौल में आज के बच्चे, युवा वर्ग सांसें ले रही हैं, उस दौर में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए था, और वो सपोर्ट हम जानना चाहेंगे कि वो सपोर्ट आपको कहाँ से मिली। जी देखिए, एक सपोर्ट तो चाहिए होता है, किसी को भी आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक उम्मीद चाहिए होता है, और वो उम्मीद सबसे पहले मिलती है पेरेंट्स से। पेरेंट्स का विश्वास होता है अपने बच्चों पे कि ये कर पाएगा, वो एक वही चीज़ होती है जो आगे बढ़ाती है स्टूडेंट्स को। और वही हमारे साथ में हुआ, माँ बाप का भरोसा था कि ये कर दिखाएगा, उन्होंने हमें भरोसा किया, हमें बाहर भेजा, इस लाइन बनाया, तो आज उस मुकाम पर हम खड़े हैं। अच्छा, ये पूरे कोर्स करने में कितने खर्च लग जाते हैं? ये कोर्स अगर बाहर, इंडिया से बाहर आप करते हैं तो 30 से 35 लाख का खर्चा।